दोस्तों, अगर आपने गुल्ली गुल्ली और पुरानी हवेली के बाकी पार्ट्स अभी तक नहीं देखे हैं तो पहले आप उसे देख लें, नहीं तो ये स्टोरी आपको समझ में नहीं आएगी। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि जोम्बी के हमले की वजह से गुल्ली गाड़ी पे कंट्रोल खो देता है और फिर से हवेली के अंदर पहुंच जाता है। वहां उसकी गाड़ी पेड़ से टकरा जाती है और गुल्ली उछलकर गाड़ी से नीचे गिर जाता है। गुल्ली जब पीछे मुड़कर देखता है तो उसके पीछे चुड़ैल खड़ी होती है। गुल्ली चुड़ैल को देखकर डर जाता है और पीछे हटने लगता है, लेकिन दूसरी तरफ से जोम्बी आ रहे होते हैं। गुल्ली गाड़ी के पीछे छुपने की कोशिश करता है, लेकिन तभी शॉन उठकर बैठ जाता है। गुल्ली शॉन को नहीं बचा पाया और वो अब जोम्बी बन चुका है। और अब आगे की स्टोरी देखते हैं। गुल्ली कुछ समझ पाता उससे पहले ही शॉन ने गुल्ली को पकड़ लिया। गुल्ली बोला, शॉन तुम ये क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। और जब शॉन ने गुल्ली को नहीं छोड़ा तो गुल्ली ने शॉन को उठाकर नीचे पटक दिया, नहीं तो जोम्बी और चुड़ैल गुल्ली को पकड़ लेते। और एक बार अगर गुल्ली इनके हाथ लग गया तो गुल्ली का भी वही हाल होगा जो शॉन का हुआ है। इसलिए गुल्ली अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगता है और उसके पीछे पीछे चुड़ैल और जोम्बी भी जाने लगते हैं। लगता है गुल्ली का बुरा वक्त आ गया है, तभी वो अंदर की तरफ भागा है। उसे तो पता भी नहीं है कि वो कहाँ जा रहा है और अंदर काफी अंधेरा भी है। जोम्बी और चुड़ैल गुल्ली को ढूंढते हुए आगे निकल जाते हैं, लेकिन ये क्या हुआ, गुल्ली तो अंदर गया ही नहीं है, वो तो पुराने टायरों के अंदर छुपा हुआ था। जैसे ही जोम्बी और चुड़ैल आगे चले गए, गुल्ली फौरन वहां से निकलकर भागने लगा। गुल्ली को अब सीधे हवेली से बाहर निकल के बाबा के पास जाना होगा, वो भी जल्दी। अब ये क्या मुसीबत है, शॉन ने गुल्ली का रास्ता रोक लिया। गुल्ली यहाँ से बाहर जाएगा कैसे, और कहीं वो भूत चुड़ैल पीछे से आ गए तो गुल्ली दोनों तरफ से फंस जाएगा। गुल्ली आगे बढ़ते हुए शॉन से कहता है कि देखो शॉन, मुझे पता है कि तुम मुझे नहीं पहचान पा रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारा दोस्त हूँ गुल्ली, मैं तुम्हें यहाँ बचाने आया हूँ। लेकिन शॉन कुछ नहीं सुनता और अचानक से गुल्ली पे हमला कर देता है। गुल्ली शॉन को हटाने की कोशिश करता है और जब शॉन नहीं हटता तो गुल्ली उसे जोर से किक मारता है और शॉन उछलकर दूर जाकर गिरता है। कुछ देर बाद गुल्ली को अफसोस होता है कि ये क्या किया मैंने, कहीं शॉन उस पेड़ से टकरा जाता तो फिर क्या होता। गुल्ली शॉन की तरफ आगे बढ़ता है और कहता है, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता शॉन, लेकिन तुम मुझ पर बार बार हमला करना बंद करो, चलो उठो बाबा के पास चलते हैं। ये बात सुनते ही शॉन उठकर खड़ा हो जाता है और फिर से गुल्ली पर एक जोरदार हमला करता है। लेकिन ये क्या, अब की बार शॉन ने गुल्ली को मारने के लिए सुपर पावर का यूज किया है। ये देखकर गुल्ली घबरा गया कि शॉन के पास सुपर पावर कहाँ से आ गई, और देखते ही देखते शॉन ने फिर से दो बार आके गोले गुल्ली की तरफ फेंके। गुल्ली समझ गया है कि शॉन को यहाँ से बाहर ले जाना अब उसके बस की बात नहीं है, जल्दी उसे यहाँ बाबा को लेकर आना होगा। लेकिन गुल्ली यहाँ से बाहर निकलेगा कैसे, अब तो जोम्बी और चुड़ैल भी वापस आने लगे हैं। गुल्ली अब दोनों तरफ से फंस चुका है, एक तरफ तो जोम्बी गुल्ली के पीछे पड़ा हुआ है और दूसरी तरफ शॉन। तभी गुल्ली को सामने रखा हुआ हथियार दिख जाता है और गुल्ली दौड़कर उस हथियार को उठा लेता है और दोनों को पीछे हटने के लिए कहता है, चलो पीछे हटो वरना मैं भाला मार दूंगा। लेकिन गुल्ली की बातों का इन दोनों पर कोई असर नहीं होता, दोनों गुल्ली के करीब आने लगते हैं और तभी गुल्ली भाला फेंक कर मारता है और जोम्बी वहीं ढेर हो जाता है। जोम्बी के मरते ही शॉन वहीं रुक जाता है, लेकिन शॉन का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए गुल्ली अब जमीन के रास्ते नहीं बल्कि छत के रास्ते यहाँ से बाहर निकलेगा। लेकिन शॉन कहाँ गया, अभी तो वो यही था। शॉन अब गुल्ली के लिए बड़ी मुसीबत बन चुका है, गुल्ली जिसकी जान बचाने आया था अब वही उसकी जान के पीछे पड़ गया है। शॉन कहीं ऊपर ना आ जाए, गुल्ली फौरन वहाँ से भागता है। अब गुल्ली को बाहर कूदना है, लेकिन कहीं शॉन उसकी ताक में ना लगा हो। कुछ देर रुकने के बाद गुल्ली हवेली से बाहर निकल जाता है। गुल्ली जैसे ही बाहर कूद कर भागता है, शॉन उसे कुत्ते की तरह दौड़ा लेता है। गुल्ली समझ जाता है कि लाल आंखों वाले जानवर ने उसे खदेड़ लिया है, इसलिए गुल्ली इतनी स्पीड से भागता है कि शॉन खुद परेशान हो जाता है कि गुल्ली कहाँ चला गया। जोम्बी बनने के बाद से शॉन का ये पहला शिकार था जो हाथ से निकल गया। शॉन की किस्मत ही खराब है, जिस काम में भी वो हाथ डालता है वो काम चौपट हो जाता है। लेकिन शॉन अभी रुकेगा नहीं, वो आगे तक जाकर देख कर आएगा कि इतने जल्दी गुल्ली कहाँ चला गया है। जोम्बी बनने के बाद अभी तक शॉन की बोनी भी नहीं हो पाई है। लेकिन ये क्या हुआ, गुल्ली पकड़ा गया। गुल्ली ने बड़ी मुश्किल से छुपकर अपनी जान बचाई थी, लेकिन वो शॉन की तेज नजरों से नहीं बच पाया। गुल्ली इधर उधर भागकर शॉन को उलझाने की कोशिश करता है ताकि वो यहाँ से भाग सके, और जैसे ही शॉन गुल्ली के पीछे आता है गुल्ली दूसरी तरफ से निकल जाता है। सामने कद्दू पहलवान की बाइक खड़ी हुई थी। गुल्ली के पास अभी इतना टाइम नहीं है कि वो हवेली जाकर अपनी जीप ला सके, इसलिए वो बाइक पे बैठा और फरार हो गया। शॉन बाइक की आवाज़ सुनकर भागता हुआ आता है, लेकिन जब तक गुल्ली वहाँ से जा चुका होता है और शॉन खड़ा देखता रह जाता है।
गुल्ली बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर हवेली से बाहर आया है और अब उसे बाबा के पास जाना है। गुल्ली ने सोचा क्यों ना पहले घर जाकर बुल्ली को भी साथ ले ले, लेकिन घर जाकर बुल्ली को लेना और फिर बाबा के पास जाना बहुत देर हो जाएगी। लेकिन गुल्ली जा कहाँ रहा है, क्योंकि बाबा का पुराना घर तो आंधी तूफान में टूट गया था और फिर बाबा पहाड़ियों पे चले गए थे। लगता है गुल्ली वहीं जा रहा है। और आखिर कुछ देर बाद गुल्ली बाबा के घर पहुंच गया। गुल्ली ने देखा बुल्ली तो पहले से ही बाबा के पास बैठा हुआ है। बुल्ली और बाबा भी गुल्ली को देखने लगे। तभी बुल्ली ने कहा, गुल्ली तुमने मुझे फ़ोन करने से मना किया था और कहा था मैं हवेली जाने के बाद फ़ोन करूंगा और फिर तुम्हारा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। गुल्ली बोला, बुल्ली स्टोरी बहुत लंबी है, वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, ज़रूरी बात तो सुन लो पहले। वो ये है कि शॉन हवेली के अंदर गया था। कैसे गया था, क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन अब वो ज़ॉम्बी बन चुका है और उसके पास जाना खतरे से खाली नहीं है। अब बाबा ही उसे बचा सकते हैं, क्योंकि अब वो हमारे तुम्हारे बस की बात नहीं है। उसके पास जाने पर वो आग से हमला कर रहा है, पता नहीं उसके पास सुपर पावर कहाँ से आ गई। ये सुनकर बुल्ली ने कहा, बाबा अब शॉन ठीक कैसे होगा और हम उसे पुरानी हवेली से बाहर कैसे निकालेंगे, वो हम लोगों के ऊपर भी आग से हमला करेगा। बाबा ने कहा, तुम लोग घबराओ मत, चलो मुझे उस जगह लेकर चलो, शॉन को हवेली से बाहर निकालने का काम मेरा है। और फिर बुल्ली गुल्ली की बाइक पर बैठ गया और बाबा ने अपनी बाइक निकाल ली और फिर तीनों शॉन को बचाने के लिए पुरानी हवेली की तरफ चल दिए। आसमान में बिजलियां अभी भी चमक रही हैं, लेकिन बारिश अब धीमी हो चुकी है। और आखिर कुछ देर बाद गुल्ली बुल्ली और बाबा पुरानी हवेली पहुंच जाते हैं। गुल्ली बाबा से बाइक रोकने को कहता है और बताता है कि हमें नीचे पैदल जाना होगा, हम बाइक से नीचे नहीं जा पाएंगे। गुल्ली बुल्ली बाइक से उतर के बाबा के पास आते हैं, लेकिन बाबा बाइक लेकर आगे बढ़ जाते हैं और उलझुल हरकतें करते हुए हवेली के अंदर पहुँच जाते हैं। बाबा अभी बाइक से नीचे भी नहीं उतरे थे कि उनके सामने चुड़ैल आकर खड़ी हो गई और बाबा के सामने नाचना शुरू कर दिया। बाबा को भी इसमें मज़ा आने लगा। तभी चुड़ैल ने आग से हमला कर दिया, लेकिन बाबा ने उस हमले को अपनी जादुई शक्तियों से रोक दिया और शुरू हो गया बाबा का एक्सट्रीम मोड। और अब चुड़ैल की खैर नहीं, बाबा बाइक से नीचे उतरे और शुरू हो गई चुड़ैल की सुताई। चुड़ैल को ढेर करने के बाद बाबा के सामने एक और मुसीबत आकर खड़ी हो गई। बाबा को देखते ही शॉन ने आग से हमला करना शुरू कर दिया। शॉन बार बार हमला करता रहा, लेकिन बाबा पे इसका कोई असर नहीं हुआ। बाबा ने शॉन के सारे हमले बेकार कर दिए। शॉन ने जब देखा कि उसकी जादुई शक्तियां बाबा पे काम नहीं कर रही हैं, तो वो वहां से भाग खड़ा हुआ। बाबा भी शॉन के पीछे भागे, लेकिन तभी चुड़ैल उठकर खड़ी हो गई और बाबा की बेइज्जती करते हुए नाचने लगी और देखते ही देखते हवा में उड़ गई। चुड़ैल को लगा कि बाबा अब उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, लेकिन चुड़ैल को नहीं पता कि उसने दुनिया के सबसे बड़े सुपर हीरो बाबा लंगोटी लाल से पंगा ले लिया है और अब उसका बचना नामुमकिन है। बाबा ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और हवा में उड़ गए। चुड़ैल ने बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन बाबा ने उसे जमीन पर गिरा दिया। लेकिन चुड़ैल हार मानने को तैयार नहीं है। इधर बाबा ने भी स्पीयर लगाने की तैयारी कर ली है। जैसे ही चुड़ैल उठकर खड़ी हुई, बाबा ने स्पीयर मार दिया। और अब बाबा इसे कैद करके अपने साथ ले जाएंगे। लेकिन ये क्या हुआ, चुड़ैल फिर से उठकर खड़ी हो गई। ये तो किसी भी तरह हार मानने को तैयार नहीं है और उसने फिर से बाबा पे हमला करना शुरू कर दिया, लेकिन इस बार बाबा ने उसे जला दिया और इस तरह चुड़ैल का खेल खत्म हो गया। और अब ये चुड़ैल किसी को परेशान नहीं करेगी। लेकिन स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई है, अभी तो शॉन को पकड़ना बाकी है। गुल्ली बाबा से कहता है कि बाबा हम शॉन को पकड़ेंगे कैसे, वो भी उसे बिना नुकसान पहुंचाए। शॉन उस तरफ झाड़ियों के बीच कहीं छुपा हुआ है और फिर गुल्ली बुल्ली बाबा के साथ उसे ढूंढने लगे। इधर गुल्ली बुल्ली शॉन को ढूंढ रहे होते हैं और उधर शॉन भी इन लोगों को छुपकर देख रहा होता है। तभी गुल्ली शॉन को देख लेता है और बाबा से बता देता है। बाबा गुल्ली बुल्ली से कहते हैं, जाओ जल्दी पकड़ो उसे, कहीं वो भाग ना जाए। इधर गुल्ली बुल्ली उसे पकड़ने जाते हैं और उधर शॉन आगे से भागता हुआ बाबा से टकरा जाता है और फिर शॉन का भूत उतरने में टाइम नहीं लगता। बाबा गुल्ली बुल्ली से कहते हैं, ये बेहोश हो गया है, इसका ध्यान रखना, मैं अभी बाइक लेकर आता हूँ। और इधर गुल्ली बुल्ली परेशान है कि शॉन को कहीं कुछ हो तो नहीं गया। तभी गुल्ली कहता है, मैं भी जाकर जीप ले आता हूँ। और फिर वो भागते हुए हवेली की तरफ जाने लगता है। कुछ देर बाद बाबा बाइक लेकर आते हैं
और कहते हैं गुल्ली जीप लेकर आ रहा है, गुल्ली तुम लोग शॉन को लेकर घर आ जाना, लेकिन जल्दी, कहीं शॉन को होश ना आ जाए, मैं जा रहा हूँ। और फिर बाबा वहाँ से चले गए और थोड़ी ही देर में गुल्ली भी जीप लेकर आ गया। गुल्ली बोला, शॉन को जल्दी लेकर आ बुल्ली, अगर ये होश में आ गया तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। और फिर जल्दी से बुल्ली ने शॉन को उठाकर गाड़ी में डाला और फिर दोनों वहाँ से चले गए और इस तरह इनकी मुसीबतें भी ख़त्म हो गई। तो दोस्तों, अगर आप बुल्ली बुल्ली और शॉन की और नई स्टोरीज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें।